नए कामठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आनंदनगर रामगढ़ निवासी पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने अपने ही गले पर चाकू मार लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना मंगलवार की रात करीब 9 बजे हुई। घटना की जानकारी नए कामठी पुलिस को दी गई और पुलिस के अनुसार अफरोज खान जावेद खान पठान बडनेरा जिला अमरावती निवासी है। वह पिछले 3 साल से आनंदनगर रामगढ़ कामठी में अपने ससुराल के पड़ोस में पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह रोज शराब पीकर आता और पत्नी गुलशन आरा के साथ विवाद करता। मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे अफरोज खान शराब पीकर घर पर आया और पत्नी के साथ विवाद करने लग गया। इस विवाद में पति ने सब्जी काटने वाले चाकू से अपने गले पर वार कर खुद को घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर व्यवस्था को देखते हुए निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम, सहायक पुलिस उपायुक्त विशाल शिरसाकर, पुलिस निरीक्षक प्रमोद पुरी, पुलिस उप निरीक्षक सुशील कोड़ापे आदि घटनास्थल पर पहुंचे। गुलशन आरा की शिकायत पर थाने में भारतीय आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच करी है। मियां बीवी का झगड़ा हो रहा था इन लोग का, तो मियां बीवी के झगड़े में बहुत झगड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, तो हमारे को खबर आई कि इन्हें अपने गले पे चाकू मार दिया, तो हमने अपने टू व्हीलर से उसको हॉस्पिटल में लेके आए। हॉस्पिटल में लेके आने के बाद में डॉक्टर ने उसको देखा, देखने के बाद में उसने ज्यादा कुछ कोऑपरेट किया नहीं, उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल रहने के बाद में भी उसने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया। हम लोग जब जाके 8-10 लोग उसके ऊपर गर्म हुए, जब एक गार्ड पकड़ के अंदर डिलीवरी वार्ड में गए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोग अपने हाथ से उठा के लाए, तो हमारे को बोल रहा था कि अपनी एम्बुलेंस बुलाओ। हमने एम्बुलेंस बुलाया पर बोला बिना ऑक्सीजन की गाड़ी से नहीं जाएगा, बोले वो। तो हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए अपने ऑटो में रखे, यहाँ से हम आधा पौन घंटा यहाँ पे टाइम पास हुआ, यहाँ से हम लोग आशा हॉस्पिटल लेके गए। आशा हॉस्पिटल जाने के बाद में हमारे को डॉक्टर ने बताया कि इसकी डेथ हो गई, तो वहाँ से तो लिखाई पढ़ाई हुई। उसके बाद में पुलिस वाले साहब आए, बयान लिए, उसके घर गए, उसके घर पे जाके इन्वेस्टिगेशन करे और यहाँ पे लाके रखे। ये तो इन लोग का 4-5 दिन से झगड़ा चली जाता है, शराब बहुत पीता है, कंटिन्यू पीता है। अब इनका कल रात में भी झगड़ा हुआ और सुबह भी इनका झगड़ा हुआ, घर में औरत बच्चों को मारा और चले गया। शाम के टाइम अपने घर से वापस आया, घर पर वापस आने के साथ अपनी छोटी बच्ची को सबसे पहले मारा उसने। छोटी बच्ची को मारने के बाद उसकी औरत ने मना करी कि मारो उरो मत करके, तो घर का सामान वगैरह फेंकना तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। औरत को मारा, बच्चों को मारा, हमारी बीवी, हमारी सास वगैरह, हमारे अक्कर सास वगैरह सब वहीं पर मौजूद थे। उन्हें पकड़े, उनको समझाया बुझाया, उनको उन लोग इसलिए कहते हैं कि उनको समझाया कि लड़ाई झगड़े काहे के लिए होना करके, शराब पीजिए, अपना काम धंधा करो, घर में रहो करके। हर बार का जाके उनको समझाते हैं। उसने आओ देखा अपना चाकू उठाया, अपना गले पे मारा और पूरा खून खराब हो गया। मैं तो अपने घर पे था, जब फोन आया तो वैसे मैं अपने टू व्हीलर लेके इसको बिठा के लेके आया। यहाँ लेके आने के बाद में दवाखाने में उसका थोड़ा बहुत काम करे, ज्यादातर वो ध्यान दिए नहीं, बोले तो बच जाता ना सर। वो हम उनके पास नहीं बोले, तो वो बोले एम्बुलेंस लेकर जाओ। हम उनको बोले कि हमारे पास में गाड़ी है अवेलेबल, 5-5-6-6 ऑटो खड़े थे। जब उसके पास में आधा पौन घंटा टाइम था, जब तक हम लेके पहुंच जा रहे हैं 5 मिनट का रास्ता आशा हॉस्पिटल, हम आगे पहुंच जाते थे। हमारे को पहले बोलते कि भैया तुम लेके चले जाओ करके, तो हम कैसे भी लेके जाते उनको, हम कंधे पे उठा के लेके जाते, लेके चले जाते। तो ये बोले कि एम्बुलेंस ही लगेगी करके, अब एम्बुलेंस अवेलेबल थी नहीं। एम्बुलेंस ना होने की वजह से उसकी जान पर बड़ा सदमा पहुंच गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।